खाना खिला हम कहाँ से खाना खिला भाभी खाता है भाभी तेरे पास परिवार थोड़ा को मैं मारपीट को चला को हाथ में दिया। आज आज खाना मांगने के लिए मैं आया हूँ, खाना देने के लिए तुम इंतजार है। आज बड़ी तबाइया कैला रानी फूलो आके आज बड़ी तबाइया कैला रानी को नहीं चाहे नमस्कार मेरे साथ में तुम धोखा दिया बोलिया जलग भाभी। अरे भागनी पारे रू के तुम मार जाइए बढ़िया हो गोली के साथ सलवा दे तो बात है रानी को सदरत की सलाम दे दो बारह बरस सदरत राजा जी तेरा हम आभार से चढ़ते। अरे मैं घर से नीचे मैं शादी बता लूंगा किस लिए लाया है लाया हूँ किस लिए रे? अरे शादियां करने के लिए तो लाया है जा कर चलते सलाम दे ये रानी
रानी भैया जीवित है या मर गई, चार मत बेटी पर चले जाओ और गुरु अमरा जी से जाकर के पूछो, क्या गुरु अमरा ने बता देंगे? अवश्य बताएंगे भाई। देवा समय मैं जल्द में जा रहा हूँ। और जहां तक की बात रही कि अगर कहीं भी रहेगी रानी फूला तो साथ वहां तक चलने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, पहले गुरु अमरा से मैं मिल के आता हूँ। गुरुदेव क्या बात है? अरे जानते हो, चिंते हो कि नहीं? चिंता रहने दे रहा मना। बताओ ए, मेरे पास किस कारण आए हो? गुरुदेव मैं भाभी को कारण यानी फूला को मार पीट के मैं जलाब को हाथ में दे दिया है। सही बात। आज भाभी सोना से खाना मांगने के लिए गए हैं, गुरुदेव खाना देने के लिए इनकार कर चुकी। कसूर किया है? पता चला दो गुरु जी ही पिया के क्या कहे इसे? आज पता चला दा गुरु जी आवा ब्याही पिरिया के ओ करा बेगर चला जाई सही गुरुदेव हमारा के परान। अब पता चला दज गुरु पता चला इस पृथ्वी पर जीवित है कि अंतकाल कर चुकी। रानी फूला तो जीवित है। क्या कुबेर, क्या मेरे रानी फूला जीवित है? जीवित कहां है कुबेर? रानी फूला ओसरी घर में है। क्या ओसरी घर की राजा? मैंने तो जंगल में उन्हें निकाल दिया था, जलाद के हाथ धरवा दिया था। ओ राजा जंगल में शिकार करने के लिए उसे हरण करके ले गया। उसी घर के राजा में वर्ष मिल गया। अरे बताइए कि मारा ने छोड़ा का मैं कैद कौन हिसाब से मैं छोड़ा हूं? कैद छोड़ाना है तो ना जोगी के भेष बनाकर जाओ। रानी फूला 12 वर्ष तक सत भरत बांटेगी, मेघवर सिंह 13वां वर्ष में शादी कर लेगा। क्या मुझे जोगी भेष में जाना पड़ेगा? हाँ, आज जाकर मुझे रानी फूला से मुलाकात करना पड़ेगा। गुरुदेव जरूरी। ठीक है, ये तो नीति तूने जाना नहीं। कबगम के कारण तूने रानी के काल डाला है। ओ तो कगन देवी माँ से मांग के सोनमा लाई है, अभी तक पहुंचा ही है नहीं। क्या भाभी सोना? हाँ,
ऐसा रचना रची है? वो रची है। भाभी सोने का ऐसा करनी है कि मेरे रूम में देवी माँ को मंदिर से मार के मेरे रूम में फेंक चुकी है। आपके पलंग पर फेंक दी। गुरुदेव सबसे पहले मैं जोगी फेस में चल के अपनी रानी से मुलाकात कर लेता हूँ। जाओ जाओ, विजय होगा।